रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। बढ़ते वायरस को देखते हुए दीपावली के अवसर पर लोगों को सावधानी बरतने की समझाइश दी जा रही है। यही कारण है कि जनपद पंचायत बरलकेला में पूरे स्टाफ और जनप्रतिनिधियों को विधायक प्रकाश नायक ने जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की शपथ दिलवाई। देखिए ये पूरी खबर। आज हमारे विधायक रायगढ़ ने जो शपथ दिलाया है उसको अमल में लाने के लिए जनपद की तरफ से हम लोग गेट के सामने एक जने बिठा कर रखते हैं और उनको समझाते हैं और सैनिटाइज़र और जो भी उसका नियम पालन है करने के लिए उसको बोलते भी हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस पर सब अमल भी करें। छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना थम नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है और अभी ठंड सीजन है, आने वाला समय त्यौहार समय है और त्यौहार समय में खूब फटाके भी फूटेंगे, तो अभी हमको संभल चलना है और हम जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहन के बाहर निकलें और न केवल अपने परिवार को बल्कि समाज को सबको समझाएं कि जो शासन का गाइडलाइन है, जो WHO का गाइडलाइन है, उसका पालन करें और सावधानी बरतें और सावधानी में ही सुरक्षा है कोरोना से। और जब तक कोरोना का दवाई वैक्सीन नहीं आता तब तक मास्क आप जरूर लगाइए, यही मैं अपील करता हूं और यही है मैंने यहां पर शपथ दिलाया है। कोरोना का महामारी लगातार जो है बढ़ रहा है, अभी लगभग सभी चीज़ों में अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी जो त्यौहार आ रहा है इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सभी लोग मास्क लगाएं, साबुन से बार बार हाथ धोते रहें या तो सैनिटाइज़र से हाथ को सैनिटाइज करते रहें। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक जो है हम लोग को ढिलाई नहीं करनी है और अपने दैनिक दिनचर्या में जो है अपने आदतों को शामिल करना चाहिए। यहाँ हम लोग जो है जनपद में दरवाजे में जो है एक आदमी बैठा के रखते हैं और हर आने जाने वाले की जो है यहाँ जानकारी रखी जाती है, साथ ही सैनिटाइजर भी रखा जाता है, सभी को जो है सैनिटाइज किया जाता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट।